अगर आपको एक लंबी दूरी तय करनी है, यानी कि बाइक जैसे ही आपने उठाई और खूब दूर तक आपने प्लान कर लिया कि भाई 100 किलोमीटर पहले से रुकूंगा नहीं, 200 किलोमीटर पहले से रुकूंगा नहीं, तो इसके लिए ना हमें एक ऐसी बाइक चाहिए जो क्रूज़ कर सके, दूर तक जा सके, मतलब मज़ेदार होनी चाहिए, ठीक है। उस सेगमेंट में अगर हम लिस्ट बनाते हैं तो होंडा की ये वाली बाइक CB350RS को भी रखना, कंसिडर करना इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको बता दूँ, इसकी जो प्राइस है सबसे पहले वो आप जानिए, ठीक है। मोनोटोन और डुअल टोन दो एडिशन आप इसके मिलते हैं, मतलब कोई प्राइस में कोई खास फ़र्क नहीं है, मुश्किल से 1,000 या 1,500 का फर्क है। तो आप जो इसका एक्सोरूम प्राइस चल रहा है ना, वो चल रहा है 201,239 रुपये, यानी कि 2,01,239 रुपीज के करीब इसका एक्सोरूम प्राइस चल रहा है। और इंडिया के किसी भी कोने में अगर आप हैं तो प्राइस में बस 1-2,000 का फर्क आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो कंप्लीट बाइक है ये आपको 232,000 से लेकर 238,000, यानी कि 232,000 टू 238,000 के बीच में ये कंप्लीट बाइक आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत हो जाइएगा कि मतलब जो प्राइस को लेके जो कन्फ्यूजन आपका होता है वो क्लियर है। 2022 में यही प्राइस है जब तक होंडा वाले नई प्राइस लिस्ट नहीं देते हैं। अब देखिए इस बाइक के बारे में कुछ चीज़ें और मैं आपको बता दूं, ये पावरफुल बाइक है नो डाउट, क्योंकि इसमें 21 PS का मैक्स पावर आपको मिलता है 5,500 RPM पे, और जो मैक्स टॉर्क मिलता है वो 30 Nm का मिलता है 3,000 RPM पे, ठीक है। 15 लीटर का फ्यूल टैंक कंपनी ने दे रखा है, तो उनका भी फंडा यही है भैया कि 15 लीटर एक बार फ्यूल भरवा लो आप, फिर कहीं भरवाने की ज़रूरत नहीं, एकदम चलते जाओ चलते जाओ, ठीक है। 5 गियर्स आपको मिलते हैं, 6 गियर की उतनी ज़रूरत मुझे मेरे हिसाब से पड़ती नहीं है, लेकिन अगर आप हाईवे पे हैं एकदम टॉप स्पीड में घसीटे पड़े हैं तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि हाँ 6 गियर होता तो थोड़ा मज़ा आ जाता। तो देखिए अब थोड़ा सा माइलेज पे फोकस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से भाई लोग यही चीज़ जानना चाहते हैं। तो इसमें माइलेज बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप जो है रफ राइड करते हैं, सिटी राइड करते हैं, तो सिर्फ 25 से 30 के बीच में लुढ़क जाएंगे। लेकिन अगर आपकी राइडिंग क्वालिटी अच्छी है, आप हाईवे पर राइडिंग करते हैं या फिर सिटी में भी करते हैं, राइडिंग क्वालिटी अच्छी है, तो फिर आपको 30 के ऊपर का माइलेज श्योर मिल जाएगा, ठीक है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर मैं कलर ऑप्शन की बात करूं तो इसमें दो कलर मिलते हैं, ब्लैक विद स्पोर्ट येलो और दूसरा रेडिएंट रेड मेटालिक, दो ही कलर ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, दोनों ही बहुत ही प्यारे कलर हैं। और ये एक क्विक जो है वॉक अराउंड रिव्यू था, जिसमें मैंने इसकी हाइलाइट से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगली वीडियो में इसका हम कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू करेंगे, जिसमें हम एक एक पार्ट पे फोकस करेंगे। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई भी डाउट है इसको लेके, तो आप इसी वीडियो के कमेंट में पूछ लीजिएगा, अगली वीडियो में हम उसे कवर कर लेंगे। तो उम्मीद है आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए फ्रेश अपडेट के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बिना हेलमेट के बाइक को राइड मत करिएगा। मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।